क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रामपुर में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना आज नामांकन भरेंगे और उनके नामांकन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी शामिल रहेंगे। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट गेट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से नगर 37 विधानसभा से आकाश सक्सेना प्रत्याशी हैं। रामपुर में आकाश सक्सेना के सामने सपा से आसिम राजा चुनावी मैदान में हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तुषार सक्सेना हमसे जुड़ेंगे। तुषार, रामपुर सीट के लिए आज बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना नामांकन भरेंगे, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? नामांकन की प्रक्रिया कितने बजे होगी और कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? और बस अभी कुछ ही देर में जो है भाजपा के जो प्रत्याशी है आकाश सक्सेना वो यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अपना जो है नामांकन पत्र भरने वाले हैं और उनके साथ में आज जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ जो है खन्ना जी वो भी आज मौजूद रहेंगे। आप जी आकाश सक्सेना और आसिम रजा एक दूसरे को कितनी टक्कर दे पाएंगे? देखिए, अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों ने अपने हारे हुए प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। अगर देखी जाए तो पिछली बार वो भी हार चुके थे आकाश सक्सेना, यानी विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में जो है ये हार हुए हैं सपा की तरफ से आसिम राजा। अब दोनों ही पार्टियों के जो गद्दार नेता हैं उन्होंने जो है यहाँ पर रामपुर के मैदान में जो है अपने हार के प्रत्याशी उतारे हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि रामपुर की जो इनकी जनता है वो किस तरीके से किस प्रत्याशी को जो है यहाँ से जिताती है। जी तुषार, क्या लग रहा है बीजेपी ने क्या देखते हुए आकाश सक्सेना पर दांव खेला है? देखिए, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रामपुर में आजम खान का गढ़ माना जाता था। ठीक है, इस चीज को लेके अब जो है भाजपा के जो ये मंत्री जो ये नेता हैं आकाश सक्सेना इन्होंने जो है एक पहल स्टार्ट की थी आजम खान के ऊपर। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो रामपुर में जो आजम खान है उनके कहीं ना कहीं ज्यादातर मामलों के वादी है आकाश सक्सेना, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो है इनको जो है एक पार्टी की तरफ से इनाम दिया गया है। अब यहाँ पर देखते ये है कि जिस तरीके से अब जो ये इलेक्शन हो रहे हैं तो लगातार ये अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि रामपुर की जनता जो है आजम खान से हटके अब इनके ऊपर जो है भरोसा करती है या नहीं, ये एक देखने वाली बात होगी। तुषार, मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट पर बीजेपी और सपा गठबंधन की सीधी टक्कर है, वहीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखने वाली बसपा और कांग्रेस इन चुनाव से दूरी बनाई हुई है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं रामपुर से जो है बसपा और कांग्रेस का इतना वजूद नहीं है वो, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ से सिर्फ दो ही पार्टी का वो है जो चुनाव है, सिर्फ दो ही पार्टी का है, एक तो यहाँ पे सपा और एक जो है भाजपा, सिर्फ दो ही पार्टी का यहाँ पर चुनाव है और इसके अलावा बाकी और यहाँ से निर्दलीय हैं वो भी यहाँ से खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब जो अगर देखा जाए कि रामपुर में जो ये चुनाव है वो सिर्फ दो पार्टी के अंदर है, एक सपा और एक भाजपा, और दोनों ही पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं वो फिलहाल खड़े हो गए हैं और यहाँ से अपना नामांकन यहाँ से भर दिया है और अपनी तैयारी में पिछले काफी टाइम से लगे हुए हैं। जी तुषार, सपा ने आसिम रजा पर क्यों भरोसा जताया है? देखिए, अगर भरोसे की बात की जाए तो भरोसा इसलिए जताया क्योंकि आजम का खुद तो चुनाव में जो है लड़ नहीं सकते, ना उनकी बीवी लड़ सकती है ना उनके बेटे लड़ सकते, अब बचा कौन? अब अगर देखा जाए तो सपा में ऐसा कोई मजबूत नेता है नहीं। अगर आसिम रजा की बात की जाए तो आसिम रजा पिछले काफी समय से काफी लंबा समय जो है उन्होंने जो है समाजवादी के अंदर दे रखा है, पिछले काफी समय से जो है वो लोगों के बीच में रह चुके हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रामपुर की जो जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो आसिम रजा को कहीं ना कहीं बहुत समर्थन भी करते हैं। जी जी धन्यवाद तुषार तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, देखते रहिए प्राइम टीवी।